हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो मैं बना रही थी यहाँ पे चीला बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में, तो आटा का बना रही थी फ्रेंड। और थोड़ा सा मेरा बन गया है, एक बड़ा बनाई हूँ जो आर्यन के लिए। ये छोटे छोटे जो बनाती हूँ ना, ये परी के लिए बनाती हूँ, इस तरह से पैनकेक की तरह। आज मैं नमकीन वाला बना रही हूँ, मीठा नहीं बना रही हूँ। तो हाँ, मेरे उठ गए हैं फ्रेंड और देखिए स्माइल कर रहे हैं, सबको बोल रहे हैं राधे राधे। तो आप लोग भी बोलो राधे राधे। उठा के रखो, बच्चों की देख रहे हो शैतानी। एक नहीं, तीन तीन पैकेट आया है। मम्मा खाने दो ना, मम्मा खाने दो ना। मारो थप्पड़, इतना खाते हैं क्या? अंदर रखो, इसको रखो बेटा, वो बाहर रहने दो। मैंने मंगाया फ्रेंड नींबू, कटा हुआ नारियल दे रहा था, तो इतना ज्यादा इसके अंदर से स्मेल आ रही है कि पूछिए मत, बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। और अमरूद, और अभी पता है मैंने क्या गलती की, मैंने देखा नहीं कि फ्रिज में नींबू पड़ा है और मैंने नींबू मंगा लिया। कितनी बड़ी गलती की मैंने, कितनी बड़ी गलती की। और अब क्या करें, जो मंगा लिया तो मंगा लिया। जा रही हूँ खाने के लिए अमरूद और सेब। भूख लगी है बहुत तेज की। और परी यहीं पे सो गई है, परी स्कूल से आई, दोनों ग्लास दोनों तरफ रखा है, रिमोट प्लेट चश्मा सारे टेबल पे पड़े हुए हैं, सो रही है परी। तो आज है हमारा व्रत। फ्रेंड, हमारा जो भी थोड़ा बहुत काम था हमने कर लिया है, कपड़े समेट लिया है हमने, अरहर का दाल दिया था धूप में, अरहर का दाल भी दे दिया है हमने, रख दिया समेट के। उसके बाद आई मैं इधर रूम में, आर्यन का क्लास चल रहा है। ये जो काजल है ना, देखा होगा आपने, बहुत बेकार, बहुत बकवास काजल, क्या बताओ, बहुत बेकार काजल है ये। और इसमें आया है तेल जो इसकी करनी है अनबॉक्स। ये आया है तेल, लंबे घने बाल करने के लिए आया है तेल। तो इसको मैं जल्दी अनबॉक्सिंग करूंगी और दिखाऊंगी आप लोग, ठीक है? तो अभी रख देते हैं इसी जगह पे। और मैंने पहनी है पायल, ये वाली देखो, और रियल पायल जो थे मेरे सच में टूट गए, पता है एक पायल मेरे टूट गए हैं। मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये सच में टूट गया, देख रहे हो? ऐसे देखो, इसको जुड़वाना पड़ेगा। तो ये हो गए, टूट गए हमारी पायल। और फ्रेंड, मैंने ना एक कल वीडियो डाली थी, चलो पहले अच्छे से कंफर्टेबल होकर बैठ जाती हूँ। देखो इधर का व्यू, देखो कितनी प्यारी प्यारी धूप आ रही है। तो अब जो मैं बात करने वाली हूँ, पता है क्या बात करने वाली हूँ? एक दिल करता है बोलूँ, एक दिल करता है नहीं बोलूँ, क्योंकि ना निगेटिव बात पे जाना नहीं चाहती। कोई भी निगेटिव वर्ड, कोई भी निगेटिव वर्ड हो उस पर जाना ही नहीं चाहती मैं, निगेटिव बात सोचना ही नहीं चाहती, करना ही नहीं चाहती। लेकिन क्या बोलूँ, लेकिन कुछ चीज़ें बोलनी चाहिए, चुप नहीं रहनी चाहिए। मेरा जो आदत है वो बता रही हूँ, मेरी जो आदत है, जहाँ जो चीज़ें गलत लग रही है वहाँ पे बोलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, तो हम और ये देखना, ये जो बंदे हैं ना, ये बंदे देख रहे हो? अभी किसकी आईडी है पता नहीं, इस बंदे ने कल हमें कमेंट किया है जो मैंने कल वीडियो डाली थी ना, तो उस पर मैंने लिखा था क्या यूट्यूब करूँ क्या ना करूँ, क्या करूँ, यूट्यूब छोड़ दूँ, बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते हैं,
तो फ्रेंड आप भी सोच सकते हो, जब किसी के चैनल पे बिल्कुल व्यू नहीं आते, व्यूज ही नहीं आते, आप देख रहे हो कैसी हालत है मेरी, तो छोड़ो मेरे हस्बैंड के चैनल पे भी व्यूज नहीं आते। ये बात मैंने की है, दोबारा से फिर से मैं ये कर रही हूँ, करूँ क्या ना करूँ। मैंने आप लोगों की राय ली, मैंने सोचा पूछा, तो मैंने ऐसे कौन सा गलत कर दिया। शुभ कार्य कर, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, तुरंत छोड़ दो, बहुत कमा लिया यहाँ से। तो इन बंदे को पता नहीं क्यों मिर्ची लग रही है, मैंने यहाँ से बहुत कमा लिया तो इनको क्यों मिर्ची लग रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन है, किसकी आईडी है, नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड से बोला ये बात, तो मेरे हस्बैंड कहीं और चले गए, वो बोले कोई नहीं है, ये तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है, जो तुम्हें देखना नहीं चाह रहा है, तुम्हें पसंद नहीं कर रहा, वही लोग हैं वो, और कोई दूसरा नहीं है, वो लोग हैं जो तुम्हें पसंद नहीं, वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है, अब तुम उसको नहीं जानती हो। तो मैं यही कहूँगी कि एक यूट्यूब जो होते हैं ना, जो जिसका यूट्यूब चैनल है, वो एक दूसरे को समझ सकता है, जान सकता है कि कौन कितना पैसा कमा सकता है यूट्यूब से। यूट्यूब पे सब कुछ व्यूज़ है, व्यूज़ के ऊपर ही पैसे हैं, नहीं तो कुछ नहीं है, ये सबको पता है, और ये बात छुपने छुपाने वाली बात नहीं है। और रही दूसरी बात, क्या है, मैं यदि यूट्यूब पे वीडियो डाल रही हूँ तो मैं भी कुछ स्वार्थ होगा, मेरा भी कुछ होगा, हाँ, इसीलिए मैं भी पैसे कमाने के लिए ही मैं भी यूट्यूब पे आई हूँ ना, मैं भी 2 रुपये कमाने के लिए आई हूँ, बाहर जाके मैं नहीं कमा सकती, बाहर जाके मुझे बच्चों को देखना, घर को देखना, तो बाहर जाके नहीं कमा सकती, तो मैं घर में रह के कमा रही हूँ, घर में रह के मैं कमा रही हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। तो आपको क्यों मिर्ची लग रही भाई, नहीं लगनी चाहिए ना। और क्या कहूँ फ्रेंड, ऐसे सब लोग हैं ना, कि मैंने जब से ये घर लिया है ना, तब से बहुत सारे लोगों को मेरे से यूँ हो गया है, तो इतनी जलन, इतनी ईर्ष्या, ऐसा क्यों। और लोगों को यही लगता है कि मैंने बहुत 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 पैसे कमा रही हूँ, बहुत पैसे कमा रही हूँ, इतना कमा रही हूँ, इतना कमा रही हूँ कि कुछ मत, सबके नए गाँव में बस एक ही चीज़ बैठ गया कि बहुत पैसे कमा रही हूँ। चलिए अच्छी बात है, पैसे कमा रही हूँ तो बहुत अच्छी बात है। और YouTube से ही नहीं, अब मैं आपको बताती हूँ, मैं Instagram से भी मैंने बहुत पैसे कमाए हैं, अब मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन अब Instagram ने थोड़े से रूल रेगुलेशन बदल दिए, लेकिन मैंने बहुत पैसे कमाए हैं, ठीक है, आप भी कमा सकते। और क्या बोलूँ मैं, कि कुछ लोगों को तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतनी परेशानी है, बहुत पैसे कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, यदि मैं पैसे कमा रही हूँ या मेरे हस्बैंड कमा रहे हैं तो अच्छी बात है ना। पैसे नहीं कमाएंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, हमारे 2 बच्चे हैं वो कैसे होगा, मेरे सास ससुर हैं वो, उनको कौन देखेगा, उनको भी तो देखना है, उनको कौन देखेगा, वो यदि गांव में रहते हैं, उनकी कोई खर्चा पानी उनका कुछ नहीं है, उनको भी तो देखना पड़ेगा ना। तो आपको लगता है कि हम बहुत पैसे कमा रहे हैं, तो हमारे भी तो खर्चे हैं ना भाई, आप बताओ, हमारे भी खर्चे हैं, हमने यदि घर लिया है ये, तो हमारा घर भी लिया है, तो हमने हमारे पास पैसे कहाँ से आए, तो हमने भी तो लोन लिया है ना, हमें भी तो लोन चुकाना पड़ेगा, हमारे पास कहाँ से आएंगे पैसे, आप बताओ। मेरा पूजा हो गया फ्रेंड, मैं पूजा करके अभी उठी हूँ, उसके बाद मैं बना रही हूँ साबूदाना, मैं बस थोड़ा सा खुद के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि और कोई खाता है नहीं, तो मैं बस बचा हुआ दूध था उसमें हमने डाल दिया साबूदाना, और इधर बन रहा है हमारा चाय। यहाँ पे खीरा रखी हूँ पांडे जी के लिए, अभी कट करके रखूँगी जब वो आने वाले हैं, और सब्जी बना लूँगी उनके, बैंगन आलू की सब्जी, टमाटर की सब्जी बनाऊँगी, और बस हमारी पूजा भी अभी हुई है, और मेरे कान्हा राधे राधे बोलो सभी भक्तों। आके मेरे घर में ना, क्या बताएं, 4 चांद मेरे कान्हा ने लगा दिया है, कि मज़ा आ जाता है, क्या परी, कान्हा के आने के बाद क्या होता है, तो इसकी हो रही है पढ़ाई, अभी ये कुछ बात नहीं करेगी, करेगी बात नहीं, अभी कोई बातें नहीं करेगी, क्योंकि अभी ये खेल के आई है। चाय में मीठा बहुत ज़्यादा हो गया।